नमस्कार फ्रेंड्स, जयसूत्रा में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस चैनल पर कुछ एक नया चीज लेकर आए हैं। हम उन छात्रों को ध्यान में रखते हुए टॉपिक लेकर आए हैं जो भारत के या इंडिया के सुदूर रिमोट इलाकों में रहते हैं या छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, और जब वो पहली बार इंजीनियरिंग जैसे कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि हर बुक्स और एवरीथिंग इंग्लिश में मिलता है। तो आज हम उन्हीं के लिए एक टॉपिक लाए हैं जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, बी के स्टूडेंट हैं, बी टेक के स्टूडेंट हैं, यह सारे लोग हैं, उनके लिए हम एक कोर्स लेकर आए हैं। उस कोर्स का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट। यह कोर्स मेनली अपना डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को काफ़ी लाभदायक होगी। तो हम स्टार्टिंग में आज देखेंगे कि यह जो हम जो लेने जा रहे हैं जो सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे और हम उसमें क्या क्या डील करेंगे। बाकी जैसे जैसे हम आगे इस कोर्स में बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोग अपने कमेंट्स और लाइक के द्वारा हमें फीडबैक में दीजिएगा कि और क्या इस सब्जेक्ट में चीज छूट गई है। तो लेटेस्ट चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द सब्जेक्ट या व्हाट आर द टॉपिक इन दिस सब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स, जो हमारा टॉपिक है आज का जो सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट। इससे जो हमारा टारगेट ऑडियंस है वो मेनली हमारा डिप्लोमा, बीटेक, बी, सीएसई, ईसीई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। वो सभी लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं डिप्लोमा बेस्ड पे, या जो जॉब इंटरव्यू के प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो अपने सब्जेक्ट का अपडेट करना चाहते हैं, या जो नॉलेज सेक से देखना चाहते हैं। तो ये जो हमारा जो सब्जेक्ट्स है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट मेनली हम लोग पढ़ेंगे, और पूरे हम लोग इसमें जा कर के अंतिम तक देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। और काफ़ी मैं सिंपल लुसिड तरीके से मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है। हम पिछले लगभग 9 सालों से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में हूँ, और मैंने काफ़ी एग्जाम निकाली है और उसमें हमने क्वालिफाई किया है, और मैं आज मतलब काफ़ी अच्छे पोस्ट पर हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में। मतलब हम ग्रेजुएशन लेवल पर, बीटेक लेवल पर हूँ, मीन्स एक इंजीनियर हूँ। तो जो भी मेरे पास जो अनुभव होगी प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल, या जितना भी मैंने कम्पिटिटिव एग्जाम निकालने में जो हमने तैयारी करी थी, वो सारी के सारी अनुभव को हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जो ये सब्जेक्ट्स हैं, जो बच्चे जो आरजीपीवी भोपाल या बिहार पॉलिटेक्निक, मीन्स इंडिया के कोई भी जो पॉलिटेक्निक बोर्ड में पढ़ रहे हैं, मेनली उनके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि बीटेक लेवल पर सभी लोगों को तो सब मिल जाते हैं, बहुत सारे अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम में और बहुत सारे कोचिंग्स हैं, बट डिप्लोमा लोगों के लिए कोई पढ़ाता नहीं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है डिप्लोमा की, मैं हर एक चीज़ पढ़ाऊँगा। कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जितना भी जूनियर सीनियर जितना भी हो। और मैं इसके साथ ही, मतलब सब्जेक्ट ये नहीं, इसके अलावा और मैं बहुत सारे टॉपिक लाऊंगा इस चैनल पे, नॉलेज हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, गेट हो या टेक्नोलॉजी हो, फाइनेंस हो, जो भी रिलेटेड जो अप टू डेट टॉपिक होगी, सब चीज़ हम इस पे अपना डिस्कस करेंगे। तो बुक सजेशन में जो हम आपको बोलेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल
मालवीनो या बेसिक बुक है भीके मेहता, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे, तो जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, DRDO, BRC या बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक हैं जो उनको कवर होता है, DMRC, रेलवे, जितना भी एग्जाम है, डिप्लोमा वाले, BSNL, इन्वेस्ट पे, इसरो, सब सारे चीजों का हम ध्यान में देखते हुए कॉम्पिटिटिव तौर पर हम इसे देखेंगे। तो इसे आप लेकर चलिए। उसके लिए आप, मैं बुक एक सजेस्ट करता हूँ, आप दोनों में से कोई एक ही खरीदिए और उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये आपको RK राजपूत का आएगा और गलगोटिया का आएगा। तो ये दोनों बुक है जो जैसे जैसे हम लोग सब्जेक्ट खत्म करेंगे वैसे वैसे हम डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट में कौन सा टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन डायोड। उसके बाद हम लोग आएंगे डायोड सर्किट। फिर हम जंक्शन ट्रांजिस्टर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग एम्पलीफायर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑसिलेटर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। मल्टी वाइब्रेटर एंड एग्जाम प्रॉब्लम, ईच एंड एवरी टॉपिक के साथ करेंगे। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मेरा पेज है मिशन IAS एंड गेट, या आप हमें सर्च कर सकते हैं www.facebook.com/JPECE12। हमें कोरा पर भी आप सर्च कर सकते हैं, जय प्रकाश नारायण। सो फ्रेंड्स, थैंक यू टू वॉचिंग माई मूवी। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल स्टार्ट पीएन जंक्शन डायोड। थैंक यू वेरी मच।